हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपा वर्मा, अभिप्रा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने विद्युत वाले चैप्टर पे आ चुके थे और हमने विद्युत का जो ओवरऑल एक चैप्टर का ओवरव्यू था देख चुके थे, है ना, कि धारा विद्युत क्या होती है भाई, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत कहते हैं, है ना। और उसी को फिर क्या है, हमने धारा को समझा, धारा क्या होती है भाई, आवेश बट्टे समय, है ना। तो क्या था, हम लोग विभवांतर को समझा कि आपको घर से स्कूल आने में जो कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इकाई आवेश को एक बिंदु अनंत से एक बिंदु तक लाने किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, है ना। तो विभव में जब अंतर होता है, एक विभव और दूसरे आवेशों का अंतर होता है, तो फिर क्या होती है, आवेश प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, धारा बह रही है, ये सब चीज़ें देखा है ना, प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध का संयोजन देखा। तो आज अभी इसी के आधार पर क्या है, अब हम प्रश्न देखते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है, ये जो लगता है कि हाँ इतने टॉपिक कर लोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो हमारा चैप्टर क्या है भाई, अध्याय 6, विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक। चलो आ जाओ भाई, पहला प्रश्न है विद्युत धारा की परिभाषा लिखकर उसका एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा क्या थी भाई, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब क्या है, धारा की प्रवाह की दर दर क्या कहलाती है, विद्युत, है ना। और इसका मात्रक क्या हो जाता है भाई, एम्पियर, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर, आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, ठीक। यदि कूलम्ब क्यू आवेश किसी धारक चालक में टी सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसे चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा, ठीक है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब Q क्या है, कूलम्ब सेकेंड, तो ये बराबर किसके होता है भाई, एम्पियर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा की मदद से किया जाता है और मात्रक आपको क्या बता देना है, इसका एम्पियर, ठीक। इतना आपको आंसर लिख के क्या है, कोई सर्किट बना देना है, कैसे बनाना है भाई, ये हमारा कंडक्टर हो गया, ठीक, यस आप एक बता दो, और बता दो भाई धारा कौन सी बह रही है, आई, इतना बता दो, डेफिनेशन लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न में आते हैं, ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखो, V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के संबंध को स्थापित करें, ठीक है भाई। V और I के बीच क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है I के, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू I, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, इसी को क्या कहते थे हम लोग, प्रतिरोध, है ना। तो यही क्या था हमारा, V और I के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ओम के नियम में, तो भाई किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा के बीच संबंध का अध्ययन किसने किया था, 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किया, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या भाई, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसके बीच क्या बताया, संबंध बताया, है ना। और क्या संबंध बताया भाई, चलो देख लेते हैं, किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक जिसकी भौतिक परिस्थितियां ना बदले, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परिस्थितियां ना चेंज, फिजिकल क्वांटिटी शुड बी नॉट बी चेंज, फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट बी चेंज, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट बी चेंज, इसकी भौतिक परिस्थितियां ना बदले, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, तो उस पर उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होगी, समानुपाती होगी, बस इतना ही बताना था। स्टार्ट कहाँ से करोगे, ओम के नियम का प्रश्न आएगा, ठीक, आपको बता देना ओम का नियम याद कब, किसने दिया था, 1827 में जर्मन वैज्ञानिक सर जायमन ओम ने दिया था, क्या दिया था, चालक तार में बहने वाली विभवांतर और धारा के मध्य संबंध बताया था, संबंध क्या था भाई, अगर उस चालक तार में परिस्थितियां ना बदले, भौतिक परिस्थितियां ना बदले, तो उसके उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, V इज इक्वल टू, जहां R एक नियतांक है
जिसे प्रतिरोध कहते हैं। बस अब आपको ग्राफ बताना है, ठीक। ऐसा ले लो भाई, ये क्या बता रही है, धारा आई। इतना ही तो बताना है आपको, ये ग्राफ बना दो, आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। आपको ओम का नियम आया तो आपको ये बताना है कि किसने दिया था, सर जायमन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने कब दिया था, 1827 में। क्या बताया था उसने, जो भी चालक है उसके सिरों के बीच विभांतर और धारा में संबंध बताया था। उसके बाद बताओगे संबंध क्या बताया था, कि अगर चालक की भौतिक परिस्थिति ना बदले तो उसमें बहने वाली उत्पन्न विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। फिर इतना बना दो भाई, सर्किट बना दो और ये डायग्राम ग्राफ बना दो, हो गया आपके। अब नंबर काट के बताए कोई, अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया नंबर काट देगा, आपने डेफिनेशन नहीं लिखा नंबर काट देगा, इक्वेशन में नहीं बनाया नंबर काट देगा। मेरे बच्चे ने सब लेकर लिया, अब नंबर काट के बताए सामने वाला, आपका नंबर पूरे मिलेंगे, बस लिखना आना चाहिए, है ना। टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करते रहो, टेंशन आ जाती ना बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखना आगे, प्रतिरोध क्या है इसका ऐसा ही मत रख लिखे, है ना। वी अनुपात क्या होता था, आई, तो वी अनुपात को हटा देते थे आई आता था, तो आर क्या हो जाता था, वी अपॉन आई। तो यही क्या हुआ, विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था, ये किसी एक चालक का भौतिक गुण होता है जो उसमें बहने वाली धारा का क्या करता है, रोकता है, है ना। तो प्रतिरोध मतलब क्या कर रहा है, वो उसका विरुद्ध हो रहा है, रोक रहा है, मतलब धारा का रोकने वाला कौन है, प्रतिरोध। चलो देख लो भाई, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, अथवा यदि किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या आप पहले क्या लिखेंगे, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे धारा, प्रतिरोध R विभवांतर V बट्टे I, ठीक। ये लिखा आपने, उसके बाद क्या लिखोगे भाई, वोल्ट एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम, ठीक। आपको इतनी चीजें वहां पे बतानी होंगी, ठीक। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है। फ्यूज क्या होता है भाई, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी बोलते हैं अरे फ्यूज उड़ गए, तो फ्यूज क्यों उड़ता है घरों का, वो फ्यूज इसलिए उड़ता है जब तार जो धारा है उस पर लोड बहुत ज़्यादा आ जाती, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी है बह रही है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहे, तो क्या होती है फ्यूज टूट जाता है। फ्यूज उड़ने का मेन रीजन क्या होता है, ताकि वो घर के जो परिपथ है जो घर में सर्किट लगे उसको बचा सके। तो फ्यूज उड़ना अगर कभी कभी हो रहा है तो वो चलो ठीक है, तुरंत के लिए खानी है, ठीक है, लेकिन वो बाद के लिए फायदा है, क्यों, क्योंकि वो फ्यूज टूट कर क्या करता है, पूरे घर की बिजली को बचा लेता है या बड़ी दुर्घटना होने से बचा लेता है, ठीक है। तो फ्यूज क्या है भाई, यह एक ऐसा घटक है जो किसी भी विद्युत उपकरण या विद्युत परिपथ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करता है, ठीक। अब वो कैसे बताएगा भाई, किसी भी घर के यूटिलेंस के यहाँ रहेगा तो वो क्या करेगा, उसके साथ सीरीज में लगा होगा, ठीक है। तो जब धारा आएगी, है ना, ये कोई भी हमारा चालक है, बल्ब है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज लगा होगा। जब एक्सट्रीम धारा आ रही है तो क्या करेगा, ये टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या होगा, धारा आगे नहीं बहेगी। तो यही क्या होता है, फ्यूज का काम होता है। अब ये इसको टूटना है तो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का होगा कि लो टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का, मतलब इसका गलनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो देखो, यह तांबा टीना सीसा के मिश्र धातु से बने तार होते हैं जिसका गलनांक कम होता है, ठीक। इसी विद्युत परिपथ लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिसे परिपथ के तारों में, ठीक है, इसको क्या, श्रेणी क्रम में, उसके पैरेलल नहीं लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, कि इसके जैसे ही धारा अधिक हुई वो टूट जाए, जिससे क्या है, जो अधिक धारा आ रही है जिससे पूरे बिजली को खतरा है उसको रोक दे, ठीक।
लघुपतित हो जाने अथवा वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण सीमा से अधिक धारा बहने पर वह पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। यही फ्यूज का काम है, वो अपना रोक लेता है भैया, और ज़्यादा आता है तो खुद टूट के क्या करता है, टूट के रिश्तों को बचा लेता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्यूज टूट के रिश्तों को बचा लिया, उसने पूरा अपना टूटा, गलनांक कम था, उसकी सहन शक्ति कम थी, वो टूटा, अब पूरा घर बच गया। तो यही क्या है, फ्यूज का काम होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर होता है? ठीक है, चालक का प्रतिरोध क्या बताया था भैया हमने, आर। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड होता है भाई, लेंथ पर और उस पे के एरिया पर। ठीक है, पहले देखो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर क्या है, अलग अलग चालकों के होते हैं, उसकी क्या है प्रतिरोधकता भी अलग होती है, आप ये लाइन लिखेंगे। फिर चालक की लंबाई पर क्या है, चालक के लंबाई के समानुपाती होती है, मतलब लंबी तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और छोटी तार का प्रतिरोध कम होगा। आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है, लंबी तार के लिए प्रतिरोध अधिक व छोटी तार के लिए प्रतिरोध कम होता है। ठीक, अब आ जाओ चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या हो गया, मोटे तार का प्रतिरोध ज्यादा और पतले तार का प्रतिरोध कम होगा, सॉरी मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, अब आ जाओ चालक के ताप पर, तो चालक के ताप बढ़ने के साथ क्या है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तो आपको ये चार चीजें लिखनी है, प्रकृति पर, अलग अलग चालकों की प्रकृति पर क्या है, चालक की प्रतिरोधकता डिपेंड करती है। दूसरा, चालक की लंबाई पर, चालक किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, मोटे पतले तार का, लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तीसरा, उसके एरिया पर, क्षेत्रफल पर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, जैसे मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और क्या है, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक, और उसके ताप पर कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है, चालक का प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। इतने आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता का संयोजन। इसमें क्या थे, हमने श्रेणी क्रम और समांतरकरण पढ़ा था, तो आपको आगे से क्वेश्चन आएगा, तो पहले आपको ये बताना होगा कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों का इस्तेमाल किया जाता है, तब उन्हें विभिन्न श्रेणियों में जोड़ा जाता है, विभिन्न क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें क्या है, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, श्रेणी क्रम में जोड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, इस क्रम में जोड़े चालकों के कुल प्रतिरोधकता की गणना कीजिए, मतलब आर इक्विवेलेंट आपको ये निकालना है। ठीक, चलो अब देख लेते हैं भाई, पहला तो समझ लो श्रेणी क्रम क्या है। तो श्रेणी क्रम क्या है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजित करने के पहले पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, मतलब क्या बोला हमने, ये हमने बना लेते हैं एक साइड डायग्राम। ठीक, बनाते चलो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना, ऐसा नहीं है, रुको मत, ये साथ साथ करते रहोगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध, धारा क्या बह रही है, I। ठीक, इसको R1, R2, R3, देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़े होते हैं, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा, तीसरे का पहला, ये क्या है, एक साथ जुड़े होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम। यहां पर लिख दो श्रेणी क्रम, ये डायग्राम बना दिए, अब श्रेणी क्रम की ये बता दो भाई, ये लाइन लिख दो, उसके बाद अब क्या लिखो, माना परिपथ में धारा क्या हो गई हमारी, आई। ठीक है, अब प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, क्रमशः पूरे पूरे परिपथ का
परिपथ का विभवांतर क्या हो जाएगा? वी, और वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर. ठीक है, अतः वी वन बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा तो एक ही बह रही है, तो क्या होगा? आई आर वन. वी टू क्या हो जाएगा? आई आर टू. वी थ्री क्या हो जाएगा? आई आर थ्री. ये हो गया. अब बताओ V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो जो संपूर्ण परिपथ का विभव होगा वो क्या होगा? सभी परिपथों के मान के योग के बराबर होगा. ठीक है, तो क्या होगा? V इज इक्वल टू वी वन वी टू वी थ्री. अब समीकरण एक से क्या नाम आई आर दे दो, है ना, आई आर, और सबके मान रख दो आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री. आई कॉमन निकालो, आर वन आर टू आर थ्री, आई आई काटो, तो इक्विवेलेंट जो आर है वो क्या आया? तो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है प्रतिरोधक का, तो जो संयोजन इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? सभी श्रेणियों के सभी प्रतिरोधक के योग के बराबर होता है. ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या है पूरी चीजें सॉल्व करनी होंगी. ठीक, चलो अब क्या आ जाते हैं हम, किस में आ जाते हैं? पैरेलल में. ठीक है, चलो पैरेलल वाला आ जाओ. जब सभी प्रतिरोधों का एक सिरे को एक और दूसरे सिरे से दूसरा जोड़ा जाए, जैसे ये देखो, तो इनके मध्य विभवांतर सेम होगा. ठीक है, लेकिन धारा क्या है? I1, I2 और I3 अलग अलग हो जाएगी, R1, R2 और R3. ठीक, अब यहाँ पे क्या है, धारा अलग अलग बह रही है ना, क्योंकि कहते हैं अलग अलग सिरों में क्या है, अलग अलग धारा जाती है ना, लेकिन विभवांतर क्या होगा इसके, क्यों एक ही सिरे से जुड़ा है इसलिए क्या विभवांतर इसमें एक होगा. ठीक है, तो क्या होता है हम जानते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई R, या I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R. ठीक है, अतः I1 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R1. I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R2. I3 बराबर क्या होगा? V अपॉन R3. ठीक है, तो टोटल संयोजी धारा क्या होगी भाई परिपथ में? I1, I2, I3. मान रख लो V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3. ठीक, V यहाँ पे कॉमन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ए दो एक ही सिरों से क्या है, एक विभवांतर धारा बह रही है. ठीक, अब यहाँ से V कॉमन निकाला, R इक्विवेलेंट, V बाहर निकाले, R1, R2, R3, V V कटा, अतः R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1 R1, 1 R2 और 1 R3, ऐसी होगा. ठीक, तो ये क्या होगा आपका संयोजी प्रतिरोध होगा. ठीक है, तो क्या है जब श्रेणी क्रम में थे, क्या थे तो श्रेणी क्रम में क्या करते थे भाई हम लोग? सभी का क्या करते थे? प्लस करते. लेकिन समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा? इसलिए श्रेणी समान इसमें क्या है डायरेक्ट प्लस हो रहा है, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा. समानांतर क्रम में क्या है हम इसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्या हो समानांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है. ठीक है, तो आपको आएगा तो इस तरीके से क्या है पूरी चीजें सॉल्व करके दिखानी होगी. बिना सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व मत करना इलेक्ट्रिसिटी में, नंबर कटेंगे. ठीक, चलो आगे आ जाओ. विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां लिखिए भैया. बताओ हम लोग अभी पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे भाई बताते जाओ जल्दी जल्दी. स्विच तथा प्लग को कसा हुआ जोड़ना चाहिए, उचित विद्युत रोधी पदार्थ का तार को उपयोग करना चाहिए, खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार को तुरंत बदलना चाहिए, आग लगने दुर्घटना होने पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद करना चाहिए,
प्रत्येक परिपथ में उचित पदार्थ व आवश्यक क्षमता वाले फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। फ्यूज को जाने देना क्या होता है। सभी विद्युत उपकरणों के लिए भू तार अवश्य लगाना चाहिए। बिजली के स्विचों और उपकरणों का उपयोग गीले हाथों से नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पूरे प्रश्न थे। ठीक, तो बेटा आपका ये पूरा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो विद्युत का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, जिसमें क्या है आपके प्रतिरोध से आएंगे, विद्युत शक्ति से आएंगे, धारा से आएंगे। ठीक है, तो जो आंकिक प्रश्न हो सकते हैं संभवतः हम उसको इसके बाद जस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक क्या करो, आप ये दोनों वीडियो से देख के क्या करो, पूरे विद्युत को समझ लो, उसके बाद ही क्या है आपको वो आंकिक प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसी तरह का प्रैक्टिस करते रहो। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।